दोस्तों आज के दिन हर कोई इंसान इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे आईडी पे कुछ यूनिकनेस दिखाना चाहता है, और ये यूनिकनेस दिखती है हमारे आईडी में दिखने वाले नेम और बायो में। दोस्तों हम अपने आईडी में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, कुछ यूनिकनेस जरूर दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें उस तरीके के फॉन्ट्स नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं कोई ऐप या फिर कोई एप्लीकेशन, लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज कुछ फॉन्ट्स के बारे में, जिसके लिए कि आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों हम अपनी इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी आईडी में अपना नाम कुछ यूनिक तरीके से लिखने के लिए आई फॉन्ट या स्टाइलिश फॉन्ट जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन फॉन्ट्स में भी आपको कुछ लिमिटेशन देखने को मिल जाती है, ज़्यादा फॉन्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है, ये फालतू के आपके फ़ोन का स्पेस भर देते हैं। दोस्तों हम सिंपली गूगल का सहारा लेते हैं और अपने गूगल पे सिर्फ निक नेम फाइंडर सर्च करते हैं। हमें सिंपली गूगल में निक नेम फाइंडर सर्च करना है। जैसे ही हम निक नेम फाइंडर को सर्च करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें कि सबसे ऊपर nicknamefinder.com की लिंक देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसमें बताया गया कि हमारे पास कितने सारे फॉन्ट्स हैं और ये कुछ फॉन्ट्स हैं देखने को, और जो नीचे हम देखते हैं कि डेमोज भी दिए गए हैं कि इस तरीके के आप फॉन्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो हमें जैसे सर्च करना है राहुल, तो हम यहाँ पर सर्च बार में जाके सर्च करेंगे तो इसमें देखने को मिल जाते हैं कि इस तरीके के कुछ फॉन्ट्स हैं। तो हम जैसे ही राहुल को फाइंड करेंगे तो फाइंड करते ही हमारे पास बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम डायरेक्टली यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो नीचे दिए गए अलग से फॉन्ट हैं हम उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे और डायरेक्टली कॉपी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये फॉन्ट्स पसंद नहीं आ रहे हो तो आप जनरेट अनदर में कर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, और ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे इसमें से ये एक पसंद आया, मैं इसे कॉपी करता हूँ। इसे एक बारी में क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप की सेटिंग में जाता हूँ, वहाँ पर जहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है वहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करते ही ये मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की आईडी हो वहाँ पर सेव हो जाता है। जैसे अभी सेव हुआ है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे राहुल के साथ साथ अपनी कास्ट भी सर्च करनी है तो मैं चौहान भी साथ में लिख देता हूँ। तो ये कुछ अलग तरीके के फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो जनरेट अनदर में क्लिक करके और ऑप्शन आ जाते हैं। हम और ऑप्शन देखते, इसमें लगभग बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो मुझे इसमें से ये भी पसंद नहीं आया है। तो मुझे एक ऑप्शन पसंद आया है और वो है ये वाला ऑप्शन। मैंने इसे क्लिक कर दिया है, मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर चुका हूँ, और अब मैं सेटिंग में जाकर वापस से अपना नेम चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसे पेस्ट कर दिया है, और कुछ इस तरह से अगर कुछ आपको इसके साथ कुछ अक्षर पसंद ना आ रहे हो तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। और मैंने इस तरीके से अपना नाम सेव कर दिया है, बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली इंस्टाग्राम में या फेसबुक में भी यूज कर सकते हो। तो मैंने जैसे अपने चैनल में रखा है तो ये आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पेज, इसमें आर्टक पहाड़ी मैंने थोड़ा यूनिक तरीके से लिखा है, यूट्यूबर भी थोड़ा यूनिक तरीके से लिखा है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आने वाले नोटिफिकेशन के लिए।